पंचमहल जिला के मीरापुर गांव में युवक की गई हत्या की घटना में आखिरकार कोर्ट द्वारा अपराधी वैसे हत्यारे को आजीवन कैद की सजा का फैसला सुनाया गया है। पंचमहल जिला के मीरापुर गांव में युवक की गई हत्या केस में आखिरकार अपराधी को कोर्ट द्वारा आजीवन कैद की सजा का फैसला सुनाया गया है। जो ये हत्या की घटना मिली जानकारी के आधार पर दलपत उर्फ भला बामनिया की जमीन के मुद्दे हुई थी, जो गोद्रा में रहते वैसे जीतू रावल ने ली थी। जो ये जमीन जीतू रावल के पास से भरत चारण ने ली थी, जो ये भरत चारण परिवार के साथ जमीन देखने के लिए गया था। दौरान दलपत बामनिया तथा उसके परिवार ने भरत चारण पर उनकी कोई जमीन नहीं है वैसा कहने के साथ उग्रवाद विवाद के बाद यहां पर खूनी खेल खेला गया, जिसमें अपराधी दलपत ने अपनी गाड़ी में रखे वैसे धारिया जैसे हथियार से भरत चारण तथा अन्य उसके साथ रहे वैसे शख्स पर जानलेवा हमला किया था। गंभीर चोट पहुंचने के साथ भरत चारण की मौके पर ही मौत हो चुकी। जो ये घटना अंतर्गत दर्ज किए गए वैसे गुना के तहत जिला कोर्ट में केस चलने के बाद आखिरकार कोर्ट द्वारा अपराधी वैसे दलित बामनिया तथा उसके पूरे परिवार को गुना में उसकी हिस्सेदारी होने का तमाम सबूत पेश करने के साथ आजीवन कैद की सजा का हुक्म दिया गया है। आजरोज पंचमहल जिला ना मुख्य सेशन जज श्री जेसी दोषी साहेब ने कोर्ट में चलता 302 ना गुना में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज श्री जेसी दोषी साहेब 5 आरोपियों ने आजीवन कारावास की सजा करेली है। आ गुना में आ वक्त एवं बनेलू है कि आखू कुटुंब आजीवन कारावास में जेल में गयेलू है। लगभग अमरा मानवा मुजब आपड़ा कोर्टना इतिहास में पहलवेली वक्त एवं बन्यू है कि आखा कुटुंब ने नामदार कोर्टे सजा करी हो। जमीन झगड़ा की अंदर मारक हथियारों साथ आ जनूनी टोड़ू एक भरत गढ़वी नामना ईसम ने क्रूर रीते मारी नाखे थे एनो गुनो नोधायेलो हतो। गुना में नामदार कोर्ट उबरू आ हकीकत पुरवार थता नामदार कोर्टे जेसी दोषी साहेबे तमाम आरोपी ने आजीवन कारावास की सजा करेली है। 2021 साल में आ बनाव बन्यो हतो अने जमीन मालिक पोतानी जग्या जोवा माटे गया हता अने एमांथी आखो मामलो उद्भव्यो हतो। आर एस ठाकुर, जिला सरकारी वकील, गोधरा।